नमस्कार मित्रों मित्रों आज मेरे पास एक प्रश्न आया है। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया है, वो किसी बड़ी कंपनी में बॉस हैं। वो कहते हैं कि मेरे साथ स्थिति ऐसी है कि सारे एम्प्लॉई मेरी बुराई करते हैं, मुझे काम लेने के लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ता है लोगों से, लेकिन हर जगह लोग, जहाँ भी मैं जाता हूँ मेरी बुराई होती है, यहाँ तक कि घर में भी लोग मेरे प्रति नकारात्मक विचार रखते हैं। ऐसा मैं क्या करूँ कि लोग मुझे अच्छा समझें और साथ ही साथ मैं लोगों के प्रति स्ट्रिक्ट भी रहूँ, अपने काम को भी सही ढंग से करूँ। वस्तुतः हमें अपने जीवन को जीने का ढंग ये नहीं बनाना चाहिए, या काम करने के पहले ये नहीं सोचना चाहिए कि इस काम को करने से लोग अच्छा मुझे कहेंगे या बुरा कहेंगे। जीवन को जीने का ये तरीका नहीं है। दूसरी बात, अगर व्यक्ति हमसे दुखी है, व्यक्ति हमारी बुराई कर रहा है और हर व्यक्ति ही हमारी बुराई कर रहा है, तो इसका अर्थ ये है कि मेरे जीवन को जीने के ढंग में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। ये ज़रूर हो सकता है कि अगर 100 लोग हैं तो 50, 60 या 70 व्यक्ति मुझसे दुखी हो सकते हैं। अगर 100 में 99 या 100 व्यक्ति मुझसे दुखी हैं तो कहीं ना कहीं समस्या मुझ में है। दरअसल समस्या क्या होती है, जब हम कहीं बॉस होते हैं, कहीं उच्च पदों पर होते हैं, तो समाज में, व्यक्ति में, उस संस्था में हमें कमियां देखनी पड़ती हैं। हम व्यक्ति को के अंदर कमियां देखते हैं और उन कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। धीरे धीरे व्यक्ति के अंदर अहंकार बढ़ जाता है और व्यक्ति के प्रवृत्ति का अंग बन जाता है कमियों को देखना। वो हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ कमियां देखने लगता है, उसका स्वभाव बन जाता है। वो कमरे में आएगा, कौन सी चीज़ गड़बड़ रखी है वो देखेगा, किसी व्यक्ति को देखेगा तो उसमें गड़बड़ी क्या है वो देखेगा, कोई प्रपोजल आएगा उसके सामने तो वो देखेगा इसमें गड़बड़ी क्या है, कितना भी अच्छा खाना उसके सामने रख दिया जाए उसमें वो चार कमियां निकालना चालू करेगा। जिस व्यक्ति के जीवन में, जीवन जीने का ढंग कमियां देखना बन जाए, वो व्यक्ति जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता, वह व्यक्ति जीवन में दुखी रहेगा, वो व्यक्ति लोगों को दुख देगा, क्योंकि उसके जीवन जीने का ढंग ही कमियों को देखने का है। अगर हम आपके पास एक गिलास भरा हुआ रख दें जिसमें थोड़ा सा खाली जगह हो और आप उस खाली जगह को ही देखते जाओ और उसको भरने का प्रयास करने लगो, तो जितना भरा हुआ गिलास है उसको भरने में जितना प्रयत्न लगा है उसको कभी आप अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे। जीवन में हर व्यक्ति अपने प्रयत्नों को लगाता है, जिस प्रयत्न को व्यक्ति ने लगाया है उस प्रयत्न को अप्रिशिएट करना आवश्यक है। हमें जीवन में बैलेंस दृष्टि रखनी है। सबसे पहली दृष्टि तो ये है कि जो ईश्वर ने हमें दिया है, जो परिस्थितियां हमें दी हैं, हमें उसके प्रति आभारी होने चाहिए, हमें उस ईश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए, और हमें जो व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने भी जो हमें समर्पण किया है उसका भी हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। व्यक्ति के पास दो हाथ दो पांव के साथ अगर स्वस्थ व्यक्ति पैदा हुआ है, व्यक्ति ईश्वर को इस बात के लिए कभी धन्यवाद नहीं देता कि मैं स्वस्थ पैदा हुआ, मैं अपंग नहीं हूँ, सभी अंग मेरे सही से कार्य कर रहे हैं, मैं स्वस्थ हूँ। जबकि अगर व्यक्ति अस्वस्थ हो जाए, वे दिव्यांग हो, तो ईश्वर को दोष देना चालू कर देते हैं। व्यक्ति स्वभावतः आगे बढ़ना चाहता है और इस आगे बढ़ने के क्रम में वो कमियों को दूर करता है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जब व्यक्ति का स्वभाव ये बन जाता है कि वो केवल कमियाँ ही देखता है और कमियाँ ही दूर करने का प्रयास करता है, तो कमियाँ देखते देखते लोगों की अच्छाइयों में भी वो कमियां देखने लगता है। उसे संसार में कहीं अच्छाई ही दिखाई नहीं देती, हर ओर उसे एक कमी दिखाई देती है, हर ओर उसे एक षड्यंत्र होता हुआ दिखाई देता है, और वह लोगों की कमियों को देखकर धीरे धीरे अपने ईगो को बड़ा करने लगता है, अपने ईगो को पोषित करने लगता है। उसे धीरे धीरे ये ऐसा महसूस होने लगता है कि योग्य और काबिल तो केवल मैं ही हूँ, बाकी सारे व्यक्ति अपूर्ण हैं, बाकी सारे व्यक्तियों में कमियाँ हैं, क्योंकि मैं कमियाँ देख रहा हूँ, मैं कमियां निकाल रहा हूं लोगों से, इसलिए मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। जब व्यक्ति के अंदर ऐसी भावना आ जाती है, ऐसे विचार आ जाते हैं, तो वह दूसरों को दुख देने लगता है, और जब व्यक्ति दूसरों को दुख देने लगता है तो ऐसा व्यक्ति अपने आप अंदर दुखी हो जाता है, ऐसा व्यक्ति अकेला हो जाता है, नकारात्मक व्यक्ति से कोई जुड़ना नहीं चाहता,
और व्यक्ति के अंदर असली खुशी उत्पन्न होती है जब उससे कोई अंतःकरण से जुड़ता है, जब दिल से दिल मिलता है तब प्रसन्नता होती है। जिस चीज़ को आप खुशी मानते हो, अपनी ईगो बूस्टिंग को, चार व्यक्ति आते हैं आपकी तारीफ करते हैं, आप खुश हो जाते हो, आपका ईगो बूस्ट होता है, वो ईगो बबल होता है, वो वास्तविक खुशी नहीं है। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि अपनी सफलता के चरम पर पहुँचे हुए व्यक्ति इतने एक अकेले होते हैं, इतने अकेले होते हैं कि अवसाद में चले जाते हैं, इतने अकेले होते हैं कि आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। दुनिया सोचती है कि भाई इस चीज़ किसके पास क्या कमी थी, इतना पैसा था, इतनी शोहरत थी, लोग इसके आगे पीछे घूमते थे, लेकिन ये सुसाइड कर लिया, इस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, अवसाद में चला गया। क्यों? क्योंकि अंदर से वो व्यक्ति अकेला था, उसने नकारात्मकता का ऐसा जाल बना लिया था कि उस जाल को पार करके कोई पॉजिटिविटी उसके पास आ नहीं सकती थी। क्योंकि आपके अंतःकरण से वही जुड़ पाएगा जो सकारात्मक हो। अगर आपने सकारात्मक अंतःकरण रखा है, दूसरी सकारात्मकता है, तभी वो जुड़ पाएगी। नकारात्मकता हमेशा नकारात्मकता को ही अपने आप खींचती है और व्यक्ति के आसपास एक नकारात्मकता का वातावरण बना देती है। हमें जीवन में अगर खुशियाँ पानी हैं, ये चाहना है कि लोग हमें अप्रिशिएट करें, मेरे बारे में अच्छा कहें, तो सबसे पहले हमें लोगों के अंदर अच्छाइयाँ देखनी होंगी। हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है। इम्पॉर्टेंट यह है कि हम देखते क्या हैं, हम अप्रिशिएट क्या करते हैं। हमें लोगों की अच्छाइयों को देखना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए। हम कमियों को देखकर और कमियों को दूर करने का प्रयत्न न करें, बल्कि अच्छाई को देखकर और अच्छाई को बढ़ाने का प्रयत्न करें। जब अच्छाई बढ़ जाएगी तो कमी अपने आप दूर हो जाएगी। अगर हम व्यक्ति की अच्छाई को देखेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे, अच्छाइयाँ बढ़ेंगी। यह जीवन को जीने का एक तरीका है, जो महत्वपूर्ण और सही तरीका है। जब हम व्यक्ति को देखेंगे, उसकी अच्छाइयों को अप्रिशिएट करेंगे, उसकी अच्छाइयाँ बढ़ेंगी, तो सिस्टम काम करेगा, वातावरण खुशी का बनेगा, लोग जीवन से जुड़ेंगे, लोग आपसे जुड़ेंगे, लोग आपकी तारीफ करेंगे। इसलिए ईश्वर ने जो कुछ आपको दिया है, सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद दीजिए। जो व्यक्ति आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनकी अच्छाइयाँ देखिए, उन अच्छाइयों को अप्रिशिएट करिए और जीवन में कमियों को देखना बंद करिए। नकारात्मकता को अपने पास से हटाइए और सकारात्मकता को बढ़ाइए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व में चमत्कारी परिवर्तन आने लगे हैं, लोग आपकी तारीफ करने लगे हैं, लोग आपसे मिलना, बैठना, जुड़ना पसंद करने लगे हैं, एक और आपका बनने लगा है। ये तभी होगा जब आप सकारात्मक विचारों को अपनाएंगे, लोगों को के काम को देखेंगे, लोगों को अप्रिशिएट, उनकी पॉजिटिविटी को अप्रिशिएट करेंगे, उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करेंगे, तब आपका जीवन धीरे धीरे पूर्णता की ओर अग्रसर होगा। हरिओम तत्सत।